नमस्कार, मैं हूं जूली और आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। भारत में इन दिनों शहरों का नाम बदलने का चलन जारी है। इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर खबरों में बने रहते हैं। पिछले कुछ समय से बिहार के कुछ जगहों का नाम बदलने की चर्चा भी हो रही थी। अब इस सिलसिले में सबसे पहला नाम सामने आया है बख्तियारपुर का। बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के ऊपर रखा गया है, वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी और उसे तहस नहस कर दिया था। अब भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर रखना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। उन्होंने कहा है कि बख्तियार खिलजी एक बहुत ही क्रूर शासक था और उसके ऊपर बिहार के किसी शहर का नाम रखना गलत है, क्योंकि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी थी जो कि बिहार की धरोहर है। पहले सुनिए आपके दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसलिए रखा है कि आप और सारा बिहार, देश दुनिया जानता है कि बख्तियार खिजली नालंदा विश्वविद्यालय को जला है। जब दुनिया में एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं था तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था और देश नहीं दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, वो एक अलग कहानी है। और कत्लों गैरत मचाया, कत्लेआम किया, खून खराबा किया, वैसे व्यक्ति के नाम पर अगर हम कहीं शहर का नाम रखते हैं, किसी जगह का नाम रखते हैं जो बहुत दिनों से है, गुलामी पीरियड से है, तो ये हमारे मान बिंदु को ठेस पहुंचाता है, हमारे संस्कृति को कलंकित करता है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जन्म स्थान है बख्तियारपुर। मैं मांग करता हूं कि जिस तरह यूपी में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ, फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ, उस तरह बख्तियारपुर का भी नाम नीतीश नगर किया जाए। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर अब नीतीश नगर रख देना चाहिए। इसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिया है कि नीतीश कुमार वहां पर पले बड़े हैं, बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो ऐसे में बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर रखना सही होगा, ना कि बख्तियार खिलजी के ऊपर बख्तियारपुर रखना। इसी तरीके की और भी कई खबरें हैं जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।